आप कैचती न्यूज बनेगा आपकी आवाज, पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू, नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए एचटी। नमस्कार, मैं एकता और आप देखिए हंगामा टाइम्स न्यूज। 1 फरवरी को जहां निर्भया के दोषियों को फांसी होनी है, वहीं निर्भया के दोषियों के वकील के इस कदम से उनकी फांसी टल भी सकती है। जी हाँ, निर्भया के दोषियों के जो वकील हैं, उन्होंने ऐसा पैतरा आजमाया है कि शायद उनकी फांसी टल जाए। आइए डालते एक नजर, आपको बताते हैं वो क्या पैतरा है जो उनके वकील ने अपनाया है। तीन दोषियों के वकील के कदम से आया नया मोड़, फिर टल सकती है फांसी की तारीख। निर्भया मामले में आगामी 1 फरवरी को होने वाली फांसी से बचने के लिए चारों दोषियों ने नए नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं। ताज़ा मामले में तीन दोषियों ने विनय कुमार शर्मा, पवन कुमार गुप्ता और अक्षय सिंह ठाकुर के वकील एपी सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया है। वकील एपी सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने अब तक संबंधित पेपर उपलब्ध नहीं कराए हैं, जिससे वह फांसी की सजा पाए विनय कुमार शर्मा, पवन कुमार गुप्ता और अक्षय सिंह ठाकुर की क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका दाखिल कर सके। अगर तीनों ने सुप्रीम कोर्ट में सुधारात्मक याचिका दायर की तो 1 फरवरी को होने वाली फांसी टल जाएगी। अगर याचिका खारिज हो भी गई तो भी इन तीनों के पास राष्ट्रपति महोदय के पास दया याचिका दायर करने का विकल्प मौजूद है। डाइट चार्ट के हिसाब से दिया जा रहा है खाना। जेल प्रशासन ने डाइटिशियन की सलाह पर एक डाइट चार्ट दोषियों के लिए बना दिया है। डाइट चार्ट के हिसाब से इन्हें भोजन दिया जा रहा है। काउंसलिंग के दौरान दोषियों को इस बात की सलाह विशेष तौर पर दी जा रही है कि वे अपने खान पान सामान्य रखें, किसी भी सूरत में खाना नहीं छोड़ें। मानसिक स्वास्थ्य पर दिया जा रहा है ध्यान। वहीं काउंसलिंग के दौरान चिकित्सक इन्हें इस बात की सलाह देते हैं कि वे अपने व्यवहार को सामान्य बनाए रखें ताकि दिमाग पर ज़्यादा जोर ना बने। जेल सूत्रों का कहना है कि दोषियों के व्यवहार में डेथ वारंट जारी होने के बाद से थोड़ी तब्दीली आई है, जिसे देखते हुए चारों की काउंसलिंग कराई जाती है। बता दें कि 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली के वसंत विहार के चलती बस में निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी। इसमें 6 लोग शामिल थे, जिसमें राम सिंह ने जेल में फांसी लगा ली थी, जबकि नाबालिग सजा पूरी कर चुका है। वहीं 4 अन्य दोषियों को निचली अदालत दिल्ली हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी फांसी सुना चुका है। हंगामा टाइम्स ब्यूरो।